हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। देखिए, दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 के बारे में आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। उन बच्चों के लिए जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मैंने हर बार वीडियो बनाई है, एक नया नोटिस जारी हुआ है बच्चों। यहाँ पे इस नोटिस में क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है ये आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है आपके लिए, और जिन बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते थे, सर कब तक आएगा। मैंने एक चीज़ और आपको बताई होगी, मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय है आपके पास, बहुत जल्द आपको फिजिकल अपना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी थी, तो एक ही पेज पर मैं आपको लेकर आया हूँ, जिससे कि ज़्यादा एफर्ट आपको भी ना लगाना पड़े और सारी चीज़ें आपको एक ही सीक्वेंस में आपको यहाँ पे मिल जाए। तो बच्चों, फिजिकल शुरू हो चुके हैं, दिल्ली होमगार्ड भर्ती आपके, अगर आपने आपने आवेदन किया है और आप सीरियस हैं नौकरी लेने के लिए, तो यहाँ पे आपके जो है फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें कुछ थोड़ी बातें आप करता हूँ मैं यहाँ पे, फिजिकल शुरू कब से हो रहे हैं बच्चों का मैसेज आएगा फिर, तो 1/7/2024 से आपके यहाँ पे फिजिकल शुरू होने वाले हैं, 1/7/2024 से। इस चीज़ को आप बिल्कुल देख लीजिएगा, जिनकी तैयारी नहीं है तो प्लीज़ वो अपनी तैयारी को कर लीजिएगा, आपके पास टाइम अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। और आपके फिजिकल कब से कब तक चलेंगे ये भी बताने वाला हूँ। पद कितने थे इसमें, बहुत सारे बच्चे बाद में पूछेंगे सर कितने पद आए थे इसमें, तो आपको 10,285 पद यहाँ पे आए थे दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 में। योग्यता क्या चाहिए थी, तो 12वीं पास यानी आपको 12th पास होनी चाहिए थी, और एक्स सर्विस मैन है यदि आप, तो आपको 10th पास भी चल जाएगी। वेतन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका लगभग 25,000 रुपये इसका वेतन जो है हो गया है। महिला और पुरुष ऑल इंडिया भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है कि दिल्ली का मुख्य निवासी होना चाहिए आपको। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपको दिल्ली में स्थायी पता है, मूल निवासी हैं आप वहाँ के, तो आप यहाँ पे इसे भर सकते हैं बच्चों। बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। यहाँ पे चयन प्रक्रिया में पहले आपका यहाँ पे फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट लगाई जाएगी, और मेरिट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कुल आवेदन की अगर मैं बात करता हूँ तो कुल आवेदन आपके यहाँ पे 1,09,000 हुए हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कब ये फॉर्म आए थे, तो आपका 13 जनवरी 2024 से लेकर 13 फरवरी 2024 तक ये आपके फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन भरे गए थे। तो जिस बच्चे ने भरा है वही आप फिजिकल दे सकता है। आपका न्यू वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ, तो आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, आपका न्यू वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है दिल्ली होमगार्ड की। अगर मैं एज की बात करता हूँ तो बच्चों यहाँ पे 20 से 45 वर्ष यदि आपकी एज थी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यदि इतनी नहीं है आपकी और आपने फॉर्म भर दिया है तो आप बाहर हो जाएंगे बच्चों। बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल कब से कब तक चलेंगे, तो 1/7/2024 से लेकर आपका 20/7/2024 तक आपका यहाँ पे फिजिकल चलेगा। तो देख सकते हैं आप लगभग आपके 20 दिन यहाँ पे फिजिकल चलने वाले हैं, और इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों अपनी तैयारी रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, रनिंग के बारे में बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट था। तो बच्चों देखिए, पुरुष में अगर मैं 20 से 30 साल की बात करता हूँ, यदि 20 से 30 साल के बीच आप आ रहे हैं तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ रनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, यानी सेम मान सकते हैं दिल्ली पुलिस के जितनी। आप महिलाओं की बात करता हूँ तो आप अगर 20 से 30 साल में आ रही हैं तो 8 मिनट में आपको ये रनिंग यहाँ पे करनी होगी। बात करता हूँ जो व्यक्ति 30 से 40 साल की एज में आ रहे हैं तो उनके लिए 7 मिनट यहाँ पे 1600 मीटर के लिए मिल जाएगी, और महिलाओं के लिए 9 मिनट यहाँ पे इसमें मिल जाएगी, यानी 1-1 मिनट आपके यहाँ पे फालतू आपको मिल जाएगी। बात करते हैं यदि आपकी हाइट की, तो पुरुष के लिए 1.65 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 1.52 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर इसमें कब तक जो टाइम है कितना है, तो बच्चों देखिए जब आपका नोटिस आया था जब टाइम इसमें सिर्फ 5 वर्ष था, और मैंने आपको एक बताया था कि कोर्ट का क्या आदेश है, यानी इसको करने इसको जो है कंप्लीट 60 वर्ष तक किया जाएगा, तो अभी तक इसमें जो भी है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं है अभी ये वाली चीज़ कि ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, लेकिन कोर्ट का आदेश जो है इस पे काम हो रहा है, यानी इन्होंने इन्होंने डॉक्यूमेंट्स आगे सेंड कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया था उसमें 5 साल आई थी कि 5 साल आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट चेंज होगा तो हो सकता है आपको दोबारा से वहाँ से ले लिया जाए, जैसे चयन प्रक्रिया दोबारा होगी, अगर आप में एलिजिबिलिटी है तो आप वहाँ पर ले लिए जाएंगे बच्चों। उसी के प्रति यहाँ पे केस डला था कि हो सकता है लास्ट में हमारे पास एलिजिबिलिटी ना हो और हमको बाहर काट दिया जाए, तो शायद ऐसा इसमें नहीं होगा अब की बार, तो यहाँ पे और देखा जाएगा। जैसे भी आपको मैं कोई भी आपका नोटिस आता है तो मैं आपको बिल्कुल वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों आपको समझाने के लिए कि कितनी आपकी हाइट वगैरह रनिंग वगैरह कितनी थी, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में बना देते हैं। लास्ट में कई सारी वीडियो बन गई थी क्योंकि उसमें आपको पता होगा कि अलग अलग चीज़ों को समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में आपको जोड़कर बता दी हैं कि किस तरीके से चयन प्रक्रिया हर चीज़ यहाँ पे शामिल हो जाए, क्योंकि बच्चे बाद में बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, उनके कोई रिक्वायरमेंट रह जाती है। तो यहाँ पे फिजिकल से लेकर आपकी वैकेंसी तक कब फॉर्म आए थे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं, और ये नोटिस आया था। अगर ये नोटिस आपको चाहिए, अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जाकर ये नोटिस आपको मिल जाएगा, मैं डायरेक्टली वहाँ पर इसको डाल दूंगा। और यदि आपको मुझे बात करनी है, आप चाहते हैं कि मुझसे कोई मैसेज या उससे रिलेशन में बात करें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मैं आपके सारे मैसेजों के जवाब देता हूं। तो इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।